हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम दो रिएक्शंस करेंगे। फर्स्ट इज रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन एंड सेकंड इज द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो है हम एक पूरी सीरीज कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो, तो इसमें पार्ट नंबर 4 जो है हम आज कर रहे हैं, जिसमें दो रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिफॉर्मेस्टी की रिएक्शन किस प्रकार से क्या होगी, क्या इसमें होता है। तो अगर मैं बात करूं रिफॉर्मेस्टी की रिएक्शन की, सबसे पहला देखते हूं रिफॉर्मेस्टी की रिएक्शन को, तो इसमें क्या होता है, कोई कीटोन या एल्डिहाइड होता है और वो रिएक्ट करता है अल्फा हेलो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और इथर, बनाएगा क्या ये, दैट इज द बीटा हेलो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से क्या होता है वो देखो, मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या, सबसे पहले जो अल्फा हेलो एस्टर है इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा हेलो एस्टर, एस्टर का एग्जांपल ये ले लो CO(CO)C2H5। ठीक है, ये हो गया एस्टर अल्फा पोजीशन में, यानी कि यहां पे CH लगा के यहाँ पे X कोई लगा दो, हेलो ग्रुप, कोई भी हेलो ग्रुप लगा दो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ। कैसे, कि जो जिंक है ना वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक टू पॉजिटिव बैंड। और वैसे भी हमें पता है जिंक जो है जिंक टू पॉजिटिव में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ज्यादा स्टेबल होता है जिंक टू पॉजिटिव के रूप में। अब होगा क्या, ये जो है इसको आप लिख लो ऐसे CHR, ये कोई एक्स है, दैट इज द हेलो ग्रुप, O CO CO2H5, यहाँ ये X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे यहां पे जिंक टू पॉजिटिव आयन था, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक टू पॉजिटिव आयन के साथ। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस जिंक टू पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और किसका फॉर्मेशन होगा, एक्स सी एच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ जेड लगा दिया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे भी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव न्यूट्रल कर दिया दो इलेक्ट्रॉन ने, और साथ में क्या है, O C2H5। अब यहां पे ये जो कंडीशन आई है, दैट इज द पॉजिटिव पास आए हैं, अब ये रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो इस केस में क्या होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट, वैसे भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड यहां आएगा, पूरा हेलोजन उठ के कहां जाएगा, जिंक के पास, यानी कि बनेगा क्या, दैट इज द बन जाएगा यहां से CHR डबल बॉन्ड देन CO के साथ क्या लग गया, ZnBr, और साथ में जो भी कनेक्टेड है वो, दैट इज द OC2H5, यानी कि जिंक ब्रोमाइड का एक साल्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो चुका है, यहां से क्या हुआ है, फॉर्मेशन हो गया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर हैं, या सिंपल ये कहूं कि यहां इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये वापस बैक आएंगे और रिएक्ट करेंगे कहां पे, कीटोन के ऊपर। क्यों, क्योंकि कीटोन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो कैसे, ये जो है वो आए ऐसे CH सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड C के साथ O के साथ ZnBr, और साथ में क्या है, OC2H
यहां पे ये बॉन्ड यहां आएगा, ये रिएक्ट करेगा कार्बन के ऊपर और ये आ जाएगा यहां पे, क्या बन जाएगा यहां से देखना जरा, जो जैलन बीआर है वो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा? सबसे पहले लिखता हूं ये सी, सी के साथ क्या कनेक्ट है, दैट इज द ओ, ओ के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, जेड एन बी आर, इस सी के साथ क्या कनेक्ट था, ये वाला सी, दैट इज द सी एच और आर, फिर क्या कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या कनेक्ट है, कार्बन, कार्बन के साथ कौन कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड ओ, और फिर साथ में क्या है, ओ सी टू एच फाइव, ठीक है, ओ सी टू एच फाइव, ये यहां पे क्या हो जाएगा जी, कनेक्ट हो जाएगा, बी आर नहीं था ये, यहां पे एक्स था, बी आर नहीं था, बी आर नहीं ले रहे हम, यहां पे क्या ले रहे हैं, कोई एक्स, कोई भी एक्स ले रहे हैं हम, यहां पे क्या ले रहे हैं, कोई एक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, देखो अगर यहां हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आप यदि करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे हम क्या करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो है ना ये यहां से खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से देखो, यहां पे C, then CH के साथ R, R के साथ C डबल बॉन्ड O, O सी टू एच फाइव, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज द OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा, OH, और उसके बाद निकल क्या जाएगा, यहां से रिमूव क्या हो जाएगा, जेड एन ओ एच एक्स यहां से रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि जब वाटर है, वाटर आएगा तो उसमें एच पॉजिटिव रहेगा, OH, OH नेगेटिव सी के साथ कनेक्ट हो गया, और जो एच पॉजिटिव है वो इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बाहर निकल गया, जेड एन ओ एच एक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसका फिर से आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, ये जो एस्टर है ये फिर से खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सी, सी के साथ ये ओ एच, ओ एच के साथ सी, ये एच और ये आर, और यहां यहां ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ब्रेक, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, सी टू एच फाइव ओ एच, एल टू एल क्या हो गया, रिमूव, क्या बनेगा, दैट इज द सी डबल बोन ओ ओ एच, ठीक है। आप हीटिंग दोगे तो यहां से ये वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, साथ में आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा क्या बना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, क्या कि जिंक इथर और साथ में क्या हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बनेगा जी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। सबसे पहले जो है जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा, जिंक टू पॉजिटिव आयन। अब यहां इलेक्ट्रॉन ये रहे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तुरंत एक्सेप्ट होगा, यहां ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इन दिस केस दोनों पॉजिटिव चार्ज पास पास है, दोनों स्टेबल नहीं है टू टू रिपल्सन, तो तुरंत ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये एक्स कहां चला जाएगा, जिंक के पास। तो जिंक के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रल कर दिया किसने, हैलोजन ने, और यहां ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसने कर दिया, कि दो इलेक्ट्रॉन उठ के सी सी बॉन्ड के बीच में आ गए, तो सी एच और सी के बीच में बॉन्ड कैसा बन गया, दैट इज द डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, ये अटैक करेगा कहां पे, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव और यहां क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द पोलैरिटी, और लास्ट में ओवरऑल क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज द अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये जो इक्वेशन है वो आपको समझ में आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बट उससे पहले एक बात आप लोगों को कहूंगा, आप सभी इतना प्यार और स्नेह मेरे को दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, आप वीडियो देख रहे हैं
बट उसको सब्सक्राइब भी किया करो ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहा करो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो यहां पे क्या होता है जी, अपने पास कोई एल्डिहाइड होता है या कीटोन लगा लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये क्या है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। क्या है जी, अब्सेंट है। अब ये अल्फा जो पूरा का पूरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज द सीएल नेगेटिव के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये बेंजोइन का। ठीक है, देखते हैं बेंजोइन का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आई थिंक जहां मेरे को नोन है, ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, कानिचारो रिएक्शन आई थिंक है। क्या कानिचारो रिएक्शन, ये तो थी एल्डिहाइड रिएक्ट करता था, यहां सीएल नेगेटिव नहीं था, वहां पे क्या था, OH नेगेटिव आयन, वहां पे क्या था, OH नेगेटिव। बस यही फर्क है, अगर मैं लिख दूं ये, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं OH नेगेटिव के साथ और वो भी कैसा, एक्वस, तो यहां पे क्या क्या बनेगा, एक बन जाएगा एसिडिक साल्ट, एसिड साल्ट, और दूसरा क्या बन जाएगा, दैट इज द बेस का फॉर्मेशन, बेस मतलब एल्कोहल का क्या हो जाएगा यहां पे फॉर्मेशन। ये रिएक्शन दैट इज द कानिचारो रिएक्शन होती है भाई, दैट इज द कानिचारो रिएक्शन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बट इन दिस केस ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, कैटलिस्ट के रूप में, और ये क्या करेगा, डाइमराइज कर देगा, कैटलिस्ट क्या कर देगा, ये कर देगा डाइमराइज, किसका डाइमराइजेशन कर देगा, किसका, ओ एल्डिहाइड का। कैसे, लेकिन जब हमें देखते हैं भाई किस प्रकार से करेगा, यही डिफरेंस होता है कानिचारो रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन में। क्या कि कानिचारो में तो हम यूज करते हैं OH नेगेटिव आयन एज ए अटैकिंग रिएजेंट, बट इन केस ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन हम क्या यूज करते हैं, सीएल नेगेटिव एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे ताकि एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए। कैसे रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म देखता हूं सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म। इस केस में क्या होगा, ये था C डबल बॉन्ड O H और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव है। अब ये कैसे काम कर रहा है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तुरंत अटैक करेगा कहां पे, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कहां पे है, कार्बन, यहां अटैक किया, ये यहां गया, क्या बना, दैट इज द एच सी, सी के साथ सीएल कनेक्ट और यहां पे ओ नेगेटिव, और साथ में क्या बना, दिस। अब यहां पे एक छोटी सी काम होगा, ये जो एच पॉजिटिव है प्लस माइनस हो जाएगा, ये किसके पास पहुंच जाएगा, दैट इज द ओ नेगेटिव, और किसका फॉर्मेशन होगा, सी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहां पे क्या हो गया, कार्बो अनायन का फॉर्मेशन, कार्बो अनायन का फॉर्मेशन हो गया। उस केस में क्या होता था, कानिचारो में OH नेगेटिव अटैक करता था, हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता था यहां हाइड्राइड आयन माइग्रेट नहीं कर रहा, यहां पे क्या हो रहा है, एच पॉजिटिव प्लस माइनस हो रहा है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कार्बन आयन है, ये नेक्स्ट जो ग्रुप है एल्डिहाइड का, दैट इज दिस बेंजोल्डिहाइड का, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट करेगा जी। क्यों, क्योंकि यहां इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, क्या बनेगा, यहां मैं नीचे लिख देता हूं इसको, क्या बनेगा, देखो यहां ये था, दिस वन था, दैट इज दिस, यहां पे सी, यहां पे सी एन, यहां पे ओ एच, ये सी कनेक्ट हो गए सी के साथ, इस सी के साथ टेन क्या है, सी एच है, और इसके साथ ये बेंजीन रिंग क्या है जी, कनेक्ट है, और ऊपर क्या है जी, ओ नेगेटिव आयन है, ओ नेगेटिव आयन है। अब यहां क्या होगा, प्लस माइनस एच पॉजिटिव फिर सी हो जाएगा, कैसे, ये जो एच था
ये कहां पहुंच जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, क्या बनेगा, ओ नेगेटिव सी सी एन सी एच बेंजीन रिंग, यहां पे भी बेंजीन रिंग और यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड ओ। अब यहां सी एन ने गुड लीविंग ग्रुप इजली रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पे ओ डबल बॉन्ड सी, ऐसे लिख लो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच, कहां से रह गया भाई ओ एच, यहां क्या बना एच पॉजिटिव उसके पास गया है तो यहां ओ एच ग्रुप लगा है, यहां क्या लगेगा ओ एच ग्रुप, ठीक है, और यहां पे भी बेंजीन रिंग, ये हो गया दैट इज नोन एज द बेंजोइन, ये यहां पे क्या है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। कुछ नहीं किया मैंने, सी एन नेगेटिव था न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, सिर्फ अटैक किया ये वाला बड़ा, इन दिस केस प्लस माइनस एस पॉजिटिव, एस पॉजिटिव यहां से उठ के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो नेगेटिव चार्ज कहां गया कार्बन के ऊपर, इसका फॉर्मेशन हो गया कार्बन आयन का, देन ये कार्बन आयन फर्दर कहां अटैक करेगा नेक्स्ट एल्डिहाइड जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस एल्डिहाइड के ऊपर और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा दैट इज द बेंजोइन का। तो ये थी आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनके ऊपर, ऐसे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सोल्व करते हैं, ठीक है वो हम देखते हैं। आइए देखो चार क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चारों के चारों रिफॉर्मेस्टे की रिएक्शन शो करेंगे, चारों के चारों रिफॉर्मेस्टे की रिएक्शन के बेस्ड है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इनमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है डायरेक्ट कैसे निकालना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार फिर से, उसके बाद डायरेक्ट किस प्रकार से निकलेगा वो देखो। तो सबसे पहले पहली रिएक्शन देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना क्या क्या है। सबसे पहले ये मैकेनिज्म देखता हूं, रिएक्शन नंबर फर्स्ट का डायरेक्ट मैकेनिज्म, यहां पे जिंक था, जिंक डिसोसिएट किसमें होगा जिंक टू पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन में, ठीक बात है। फिर ये था बी आर के नीचे दैट सी एच टू देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ठीक है अल्फा हेलो एस्टर, रिएक्ट किसके साथ करेगा जिंक टू पॉजिटिव, कैसे ये जो है ये अटैक कर देंगे वो यहां पर फ्रंट, क्या बनेगा यहां पे बनेगा बी आर सी एच टू ओ के साथ जेड लग गया, यहां भी पॉजिटिव और साथ में ओ सी टू एस फाइव, ठीक है। आप ये स्टेबल नहीं तो ये यहां आएगा बी आर जेड एन के ऊपर आ जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा सी एस टू डबल बॉन्ड सी ओ ओ के साथ जेड एन बी आर और देन साथ में ओ सी टू एस फाइव, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा ये जो एल्डिहाइड है ये क्या है दैट इज ध्यान देता हूं सी एस थ्री के बाद एक दो दो कार्बन है उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और एच कनेक्ट है, एक दो तीन चार एक दो तीन चार, ओके। अब यहां पे क्या होगा ये जो लोन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आएंगे ये यहां अटैक करेंगे और ये चीज यहां क्या बनेगा देखना ध्यान से सी एस थ्री दिस यहां पे क्या बना सी एच के साथ ओ नेगेटिव, इस सी एच के साथ कनेक्ट कौन हुआ यहां ऊपर लिख देता हूं इस सी एच के साथ कनेक्ट कौन हुआ दैट इज सी एच टू सिंगल बॉन्ड देन सी साथ में क्या दैट इज द ओ ओ के डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ये बन गया और इस ओ नेगेटिव के साथ में कौन आ गया दैट इज द जेड एन बी आर। अब जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा ये भी डिसोसिएट हो जाएगा मतलब इसकी जगह भी ओएच लग जाएगा और इसकी जगह भी ओएच तो बनेगा क्या सी एच थ्री ये लग गया सी एच, ठीक है सी एच के साथ क्या ऊपर ओएच, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे सी एच थ्री देन सी एच ऊपर ओ एच और साथ में क्या है फिर से देख लो एक बार एक दो तीन चार एक दो तीन चार, ठीक है एक दो तीन तीन ही बने अपने को चार बनाने हैं, ठीक है तो ये लो जी सी एच थ्री
एक दो तीन, अब की बार सही है, एक दो तीन चार, एंड द सी एच ओच। फिर इसके साथ क्या कनेक्ट है, सी एच टू, सी एच टू के साथ क्या कनेक्ट है, सी डबल बॉन्ड ओ ओच। ठीक है, यानी कि इतना जो पोर्शन है ना वो तो है ये वाला पोर्शन। ठीक है, मैं लिखता हूं डायरेक्ट, देखना किस प्रकार से लिखूंगा। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक कर लेना, उसके बाद देख लेना। ये एज इट इज यहां से लिखा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड बॉन्ड और देन दिस, यहां पे क्या है सी कनेक्ट है, सी एच ओ ग्रुप है। सी एच ओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, सी एच ओ एच ग्रुप में भाई, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन था यहां पे क्या था, यहां पे ये सी एच टू ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद इस सी से ये सी कनेक्ट हुआ, ये लो जी सी एच टू कनेक्ट हुआ, और ये पूरा जो एस्टर ग्रुप है ना ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ये वाला प्रोडक्ट यहां से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व करोगे, इसको हीटिंग दोगे तो यहां से ये जो वाटर है ये यहां से रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा, दिस वन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सी एच डबल बोन सी एच सिंगल बोन सी ओ। सिमिलरली नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है पीएच, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी बार, ये तो जो पीएच, पीएच के बाद ये जो सी एच ओ ग्रुप था ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, सी एच ओ एच ग्रुप में। उसके बाद कौन कनेक्ट है, ये दिस वन सी एच ग्रुप कनेक्ट है, दिस सी एच टू ग्रुप कनेक्ट है, और यहां पे क्या सी एच थ्री। फिर क्या कनेक्ट है, एस्टर, एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, एसिड में। ये यहां से डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, पीएच सी एच डबल बोन सी सिंगल बोन सी एच थ्री, साथ में क्या सी ओ ओएच का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, ये रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रही है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, एज इट इज होगा, जो भी कुछ होगा ये एज इट इज है, मैं एज इट इज बना देता हूँ, जैसा गिवन है वैसा का वैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको मैंने सी एच ओ एच ग्रुप में कनेक्ट कर दिया। फिर ये किससे कनेक्ट होगा, अल्फा इस वाले ग्रुप से क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो गया कनेक्ट है सी एच टू देन दिस सी ओ ओ सी एच थ्री, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा हीटिंग दोगे तो क्या बनेगा, दिस वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक और दो पे डबल बोन है ये लोजी, क्योंकि यहां से ये वोटर यहां से क्या हुआ है रिमूव, एक दो तीन, तीन के ऊपर ये ग्रुप है, फिर डबल बोन है, उसके बाद यहां क्या लगा है सी ओ ओ एस। डायरेक्ट आपको सोल्व करना, आपको कुछ नहीं करना, सीधा जो के जैसा गिवन है वैसा ही करना है, सिर्फ आपको जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको पकड़ना है। जैसे यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा जो भी होगा, यहाँ सी एच ओ एच लगा दिया, देन उसके बाद ये यहाँ पे सी एच टू, देन सी एच टू के बाद एसिड वाला ग्रुप लगा दिया जी। ठीक है, एसिड यहाँ पे भी क्या आएगा, एसिड वाला ग्रुप आएगा, क्योंकि ये एस्टर ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। ठीक है, अब इसको हीटिंग दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, दिस डबल बॉन्ड और दिस सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच का क्या हो जाएगा जी, फॉर्मेशन। तो आपको ऐसे ही अलग अलग रिएक्शंस को सोल्व करना है। ये थी रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, जो है उस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड थी। अब हम जो करेंगे वो है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनेंगे, हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को अब आगे देखेंगे। तो मैं लिख देता हूं, तो क्वेश्चन बने रहिएगा। ओके, देखो चार क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इनमें कैसे शॉर्ट वे से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसकी मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहला मैकेनिज्म देखो, हमने क्या रिएक्शन किया था कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे, सीएम नेगेटिव की प्रेजेंस में बेंजोइन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हुआ, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो इसमें कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, यानी कि यहां पे है ये सी एच था और ओ था, ये एच उठ के यहां आ गया, तो यहां पे क्या बना है सिंगल बॉन्ड के साथ ओ एच और दोनों क्या हो गए कनेक्ट। ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन नहीं है, यहां ये हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या हो गया शिफ्ट हो गया, सिर्फ अपने को इतना काम करना है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये मेरे पास क्या था बेंजीन रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग ये रही, जहां पे नीचे पहला पोजीशन पे क्या लगा हुआ था सी एच थ्री। इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसको वैसे लिख लो सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये एच को आपको यहां ट्रांसफर करना है इस एच पॉजिटिव को, कैसे कि यहां तो बनाना है सी एच ओ एच ठीक है, और यहां क्या लगाना है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो गया, आप चाहो तो मैकेनिज्म करने के बाद सोल्व कर सकते हो, बट कंपटीशन एग्जाम में अपने को सोल्व वे से प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, तो वो हो ये हो गया ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, दो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे है एच यहां पे है एच टेन सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पे है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है। दोनों को यदि मेरे को कनेक्ट करना है तो इस डबल बॉन्ड को ओ एच बनाना पड़ेगा और ये यहां से खत्म, तो ये यहां पे क्या हो गया प्रोडक्ट। इस प्रकार से इसको ऐसे लिख लो आप कि एच सी एच यहां ओ एच देन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये यहां पे क्या हो गया फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट में भी सेम टू सेम करना है, कैसे ये मेरे पास बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग की पैरा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है सेकेंडरी अमाइन लगा हुआ है, यहां पे सी एच ओ एच ग्रुप लगा दो, इसको कनेक्ट कर दो सी से और बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा ये, और यहां क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, तो ये यहां पे प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मेशन। यहां पे ऐसा नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, वो कैसे यहां से ये जो प्रोडक्ट है यहां से चार प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि सी ए नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर इसके ऊपर चारों की चारों बना लेता हूं, एक मिनट देखना जरा, चारों के चारों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूं। एक तो प्रोडक्ट ये हो गया, एक हो सकता है ये जो सी एच ओ एच है वो इस ग्रुप के ऊपर लगे, क्या होगा यहां से ये बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग यहां पे एन सी एस थ्री सी एस थ्री और ये सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, देन यहां पे क्या लगा दूं मैं सी एच के साथ ओ एच ग्रुप बेंजीन रिंग, एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, या ये मॉलिक्यूल इस अपने ऊपर रिएक्ट करे तो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे बनेगा, या फिर जो चौथा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा दैट इज द सी एच ओ एच और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे बेंजीन रिंग और साथ में यहाँ बेंजीन रिंग, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, या ये जो ग्रुप है ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने ऊपर अटैक कर सकता है, क्या बनेगा सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या कनेक्ट है एन सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा दैट इज द एन सी एस थ्री सी एस थ्री। यानी कि जैसे हमने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की थी वैसे ही क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन से भी चार प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे चार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये भी क्या है क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, चाहो तो आप मैकेनिज्म करके देख लेना। दो यहां पे यहां से दो न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, एक तो यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा, जब यहां से न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये दो पे अटैक कर सकता है खुद के ऊपर और इस मॉलिक्यूल के ऊपर, दो प्रोडक्ट आ गए। सेम वे में यहां से जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उससे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे एक तो खुद पे अटैक करेगा एक इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, तो चार प्रोडक्ट यहां बनेंगे चार प्रोडक्ट यहां बनेंगे, दिस इज नोन एज द क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। सिमिलर वे में नेक्स्ट जो एट रिएक्शन है वो है इंट्रामोलिकुलर, मैं एक बार मिटा देता हूं सभी को और इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन में डायरेक्ट लिखता हूं कि किस प्रकार से सोल्व करूंगा। देखो इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, एक एल्डिहाइड या तो दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये बेंजीन रिंग है यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहां पे क्या प्रेजेंट है That is this C double bond O O C S C, ये प्रेजेंट होगा। मैं एक बार मैकेनिज्म करके दिखाता हूं डायरेक्ट आपको किस प्रकार से मैकेनिज्म होगा। CN नेगेटिव है
अटैक करेगा, ये यहां आया, क्या बना? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर सी, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के साथ यहां एच, यहां सी एन, और यहां जो भी कनेक्ट हो गया वो हम कनेक्ट कर देंगे आसानी से, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब ये एच यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? यहां सी के साथ ओ एच, यहां पे सी एन, और यहां क्या लग जाएगा जी? बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में क्या? बेस, सी डबल बॉन्ड एक दो, एक दो, यहां पे क्या लगाना है? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब यहां नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, अटैक करेगा, कितनी मेंबर रिंग बन गई? बेंजीन रिंग तो थी ही, ठीक है, बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी है, यहां ये OH और CN ग्रुप बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स मेंबर रिंग एक और फॉर्म हो गई, सिक्स मेंबर रिंग, कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन और सिक्स के बीच में बॉन्ड, सिक्स पे है क्या? सिक्स पे भाई O नेगेटिव है और CH3 है। अब तुरंत ये जो H प्लस है ये यहां आएगा, प्लस माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले स्टेप में हुआ था, और इस प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएगा? दिस वन प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग और ये यहाँ पे क्या है? दैट इज द ओ नेगेटिव, साथ में सी एन, साथ में डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री। अब ये नेगेटिव यहाँ, ये चीज बाहर, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग और साइक्लिक रिंग, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये यहाँ पे प्रोडक्ट का, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, भाई ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी इंट्रामोलिकुलर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन की एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किस प्रकार से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वो भी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज हमने इस लेक्चर में दो वीडियो, दो रिएक्शन सोल्व की हैं, रिफॉर्मेस्टिकी और बेंजोइन, दोनों का मैकेनिज्म देखा, दोनों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं वो देखी, और आने वाले वीडियो में हम कुछ नेमिंग रिएक्शन और करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और ज्यादा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो पहुंचा सकूं विद ट्रिक्स के साथ। केमिस्ट्री को आसानी से समझो, केमिस्ट्री रट्टा मारने की कोई चीज नहीं है, जस्ट मजे से सीखो, मजे से सीखना है तो आओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स अ लॉट।